हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अनारकली कुर्तीज, जो कि डिजाइंड है एंड पैटर्न्स हैं उनके बांधनी के। बांधनी जो राजस्थान का कल्चर है, राजस्थानी जो भी डिजाइंस होते हैं, जो भी पैटर्न्स होते हैं, उनसे उनकी वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जो कल्चर है, उसका हमें पता चलता है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं पहनने में। अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा सा, यूनिक सा लेना और अपने फेस्टिवल्स को, अपने ओकेशंस को कुछ नया सा बनाना, तो आप इन कुर्तियों को ले सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत जल्दी जल्दी नई नई वीडियो आती रहेंगी, आप उसका मज़ा लेते रहेंगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के और लाइक के बिल्कुल भी आपको पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्द। मेरी जो फर्स्ट परचेज है वो है ये एक ब्लू कलर की शेडिंग अनारकली की कुर्तीज। जैसा आप देख ही रहे वीडियो में, गला इसका गोल है, लेकिन इसमें सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी दोनों का काम हो रखा है। ये देखिए, इसका गला है। आइए अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, जयपुरी प्रिंट की यही खास बात है कि इसके डिजाइन पैटर्न बहुत ही प्यारे लगते हैं। हल्की सी भी अगर इनमें शेडिंग मिलती है तो ये और भी ज्यादा निखर के आते हैं। आप इसका गला अच्छे से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी और इसमें डिजाइनिंग की गई है, और यहाँ पर इसके सीक्वेंस का काम भी है, साथ में एम्ब्रॉयडरी भी है यहाँ पर। ये देखिए, ये जो भी आपको ये नज़र आ रहा है, ये सारी रेशम की एम्ब्रॉयडरी है और साथ में सीक्वेंस भी है। यहाँ पर इसका योक पार्ट है और नीचे इसमें सारा, ये देखिए, कलियों का घेरा है सारा, और काफ़ी अच्छा फ्लेयरिंग है क्योंकि कली है, कली से बहुत अच्छा फ्लेयर मिलता है। ये देखिए आप, पूरा नीचे तक काफी अच्छा इसका ये फ्लेयर है। नीचे यहाँ पर आपको अलग से एक फ्लेयर मिलता है। ये देखिए आप, नीचे की जो लेयर है यहाँ पर हल्का सा कट है, जिससे आपको एक अलग सा फ्लेयर वाला डिजाइन मिलता है नीचे बॉर्डर पे, और यहाँ पर इसमें लेस लगी हुई है। चारों तरफ कलियों में गोटा पट्टी का काम है, जिससे आपको कहीं पर भी जोड़ दिखाई नहीं देगा। और इसका जो पैटर्न है, जो प्रिंट का पैटर्न है, वो तो वैसे ही काफी अच्छा है। ये देखिए, और पीछे से ये पूरा इसी तरह से है। स्लीव्स है इसकी 3/4 स्लीव्स पर, यहां पर देखिए गोटा पट्टी का अच्छा काम किया हुआ है। और मैं एक बार आपको गला दोबारा से दिखा रही हूं, क्योंकि इसके गले पे बहुत अच्छा काम है, काफी खूबसूरती से किया गया है। और साथ में यहाँ पर इसके देखिए साइड्स में टेसल्स लगे हुए हैं दोनों तरफ। आप चाहें तो उनको खुला छोड़ सकते हैं, चाहे तो आगे या पीछे जहाँ पर भी आप चाहें तो इनको नॉट कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छा लुक मिल जाता है। तो इस फेस्टिव को आप कुछ अलग सा बनाएं और नए नए कलर को ट्राई कीजिए। लगता है ना बिल्कुल होली पे पहनने वाला कलर। हाँ, काफ़ी ज़्यादा शेडिंग है। इसकी जो भी प्राइजेस हैं आपको स्क्रीन पर शेयर हो रहे हैं, और प्रोडक्ट वर्क भी आपका स्क्रीन पर शेयर हो रहा है। और बाकी आपको जो भी डिटेल्स चाहिए होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कुर्ती है वो है एक बहुत ही प्यारे से कलर में, ये है देखिए ग्रीन कलर, मेहंदी कलर। किसी भी आप फेस्टिवल ओकेशन पे जब जाते हैं तो मेहंदी तो जरूरी लगती है, तो ये है मेहंदी कलर। पूरी तरह से आप उस माहौल में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले आप इसका गला देखिए, बहुत ही ज्यादा फाइन गला है इसका, बहुत ही प्यारा है। कलर भी आपने ऐसा पहली बार ही देखा होगा। ये देखिए, सारे में गले पर एम्ब्रॉयडरी का काम है, शीशे का भी काम है इसमें, ये बहुत ही अच्छा काम है। मैं बहुत क्लोज आपको ये दिखा रही हूं, जिससे आप इसकी बारीकी देख पाए। गले पे बहुत ही बारीकी से काम हो रहा है सारे में, और काफी फाइन है, कहीं कोई थ्रेड वर्क नहीं निकला। और चारों तरफ आप यहाँ देख सकते हैं ये किस टाइप का इसका काम है। यहाँ पर ये इसका योक पार्ट है, और बाकी फिर नीचे आपका ये आता है घेर। घेर सारा कलियों वाला है ये, लेकिन आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, देखिए कि आपकी कली कटी हुई है यहाँ पे। इन्होंने इसी टाइप से ही पूरा मैच किया हुआ है कि जिससे कली आपको अलग अलग दिखाई ना दे। तो काफी अच्छा ये कली वाला घेर है, और फ्लेयरी भी बहुत ज्यादा है,
और साथ में देखिए यहाँ पर आपको ये इस टाइप से नीचे बॉर्डर मिलता है। आजकल ये काफी ट्रेंड में है कि नीचे आपको एक फ्लेयर मिलता है गैदर्स का, लगता है जैसे चुन्नट है। और यहाँ पर इसमें देखिए कितना ज्यादा हैवी गोटा पट्टी का काम है, पूरी तरह से फेस्टिव वेडिंग एंड एनी ओकेजन के हिसाब से ये परफेक्ट है। जो भी कुर्तीज हैं पूरी तरह से, कलर्स भी इनका बहुत प्यारा है इस कुर्ती का। ये है इसकी स्लीव्स, 3/4 स्लीव्स है, और स्लीव्स पर देखिए कितना हैवी काम है। पीछे से ये पूरी आपकी, ये देखिए इस टाइप से है ना, पूरा मेहंदी का लुक। आप किसी भी मेहंदी के ओकेजन पे जाइए आप इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक दिखाई देगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। अब आते हैं हम इसके टैसल्स पे। ये देखिए यहाँ पर इसके ये इन्होंने पीछे टैसल्स दिए हुए हैं, ये देखिए। आप चाहें तो पीछे ये दोनों तरफ से हैं, आप चाहें तो इसको बांध सकते हैं, चाहे तो एज ए डिजाइनिंग इसको आप सिंपल ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ये दोनों तरफ दिए गए हैं, ये देखिए चार टैसल्स हैं, दो आगे दो पीछे, आप मेरे ट्राई ऑन में देख सकेंगे। तो आप इनको साइड बाय साइड इस तरह से बांधेंगे तो आपकी जो कमर का एरिया है इधर का वो आपका थोड़ा टाइट हो जाएगा, तो और अच्छा लुक आएगा। चाहे तो आप इसको फ्री हैंड छोड़ सकते हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत ही अच्छा पीस है। इसका जो कलर है बेसिकली मैंने बहुत कम देखा है मेहंदी कलर, ऐसे व्हाइट के साथ में बिल्कुल भी ब्राइट नहीं लगता, लेकिन बहुत ही सूदिंग क्लासी और एलिगेंट है ये पीस, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नेक्स्ट कुर्ती, ये है एक पीच कलर की कुर्ती। ये देखिए आप गले से ही इसके देख सकते हैं कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी है, शीशे का काम है सारे में। ये एक पीच कलर की कुर्ती है और इसमें हल्की हल्की जो आपको शीशे दिखाई दे रहे मिरर वर्क है वो हल्के से पिंक कलर में है, तो कंट्रास्ट काफी अपने आप में यूनिक है। और चारों तरफ रेशम की एम्ब्रॉयडरी है, ये जितनी भी आपको एम्ब्रॉयडरी दिख रही है ये सारी रेशम की है। और यहाँ पर देखिए जो इसमें बटन दिए हैं ये भी आपको काफी अच्छी क्वालिटी के और काफी अच्छे से दिए गए हैं ये। और यहाँ पर सारे में एम्ब्रॉयडरी शीशे की और बाकी काम सारा रेशम का है। देखिए ये देखिए आप काफी क्लोजली मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, जिससे कि आप अच्छे से उसकी क्वालिटी देख पाए, डिजाइनिंग भी देख पाए। ये इसका गला है और बाकी ये पूरा आपका यहाँ तक योग पार्ट है बी में, और यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है कलियाँ। ये पीच कलर में है आपका, पीच एंड बिस्किट का जो कलर होता है लाइट बिस्किट का वो कलर है, ये पीच एंड लाइट बिस्किट मिक्स है। ये पीच कलर है डार्क पीच और ये हल्का सा बिस्किटी कलर जो बहुत लाइट शेड में है, तो इसके साथ प्रॉपर ये मैच हो रहा है। काफी ज्यादा फ्लेयरी है ये, इसकी जो कलियां हैं, इसकी भी कलियां हैं बट आपको लग नहीं रहा, ये देखिए इनमें भी ये कलियां हैं सारे में। और इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, जिगजैग पैटर्न है और ये भी काफी आपको फ्लेयरी है। और ये नीचे इसमें ये बॉर्डर दिया गया है अलग से। इसकी जो स्लीव्स है 3/4 है और स्लीव्स पर भी यहां पर आपको ये देखिए बॉर्डर मिलता है। पीछे से ये पूरी तरह से प्लेन है, पीछे कहीं कोई डिजाइनिंग नहीं है, बस ये नीचे कली है सारे में और यहाँ पर भी ये बॉर्डर है। ये भी काफी अच्छा पीस है, का फैब्रिक इसका रियान का है। और आप इस टाइप का अगर कोई कलर में देख रहे हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि मैं आपको जो भी कुर्ती दिखा रही हूँ उसके सारी कुर्तियों के जो फ्लेयर हैं बहुत ही ज्यादा है, तो जब काफी ज्यादा फ्लेयर होता है तो ऑलरेडी उसका जो खूबसूरती है ना कुर्ते की वो वैसे ही बहुत बढ़ जाती है, तो इसीलिए आप डेफिनेटली इन सबको कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा पीस है। प्रोडक्ट कोड एंड प्राइस स्क्रीन पर शेयर हो रहे हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुर्ती है वो है पिंक कलर की, ये देखिए इसका भी आप गला देखिए, इसके गले पे यहाँ पर आप जो भी देख रहे हैं ये सारा प्रिंट है, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में इसमें मिरर वर्क का काम है, ये देखिए छोटा छोटा सा मिरर का काम है यहाँ पे, पर बाकी इसमें सारा प्रिंट है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है। ये टोटल आपका जो गला है ये सारा प्रिंटेड है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बस ये जो मिरर वर्क है इस पे इन्होंने एम्ब्रॉयडरी करी हुई है यहाँ पर, तो ये कुछ अलग सा आपका डिजाइन है। तो आइए अब हम इसको देख लेते हैं, ये देखिए
ये काफी सिंपल सा है, सिंपल एलिगेंट सा ये सूट है, जिसको काफी ज्यादा सूथिंग कलर चाहिए या जिसको पिंक में काफी इंटरेस्ट है वो इसको देख सकते हैं। इसमें चारों तरफ जो इसका प्रिंट है उसमें भी एक खास बात है, चारों तरफ देखिए यहाँ पे बेल और फूल बने हुए हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे से, तो ये भी काफी अच्छा लगता है। छोटा छोटा सा प्रिंट है, बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पर भी ये देखिए कलियां हैं सारी चारों तरफ, ये भी इसमें कलियां हैं और काफी अच्छा फ्लेयरी है, बहुत ही अच्छा फ्लेयरी है, चारों तरफ इसमें कलियां हैं। और नीचे आप देखिए कितना अच्छा इसमें बॉर्डर दिया गया है, ये देखिए ये इसका बॉर्डर है, प्रिंटेड है सारा बॉर्डर और काफी चौड़ा बॉर्डर है ये। और साथ में इसमें दिए गए हैं ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स पर भी यहाँ पर बॉर्डर दिया गया है और साथ में यहाँ पर दिए गए हैं टैसल्स। और पीछे से आप देखिए ये पूरा प्लेन है। अनारकली में जहां पर आगे काफी अच्छा हैवी लुक होता है तो कुर्ते में पीछे उसका प्लेन ही होता है। ये देखिए चारों तरफ इसमें कलियां हैं, फ्लेयर आप देख रहे हैं कितना ज्यादा फ्लेयर है इसका, मतलब मैं भी ढक गई हूँ, मैं बहुत लंबा इसका अच्छा फ्लेयर है सभी कुर्तियों का, नॉट अ सिंगल वन, सभी कुर्तियों का। ये देखिए पीछे की तरफ भी, तो आप डेफिनेटली खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, जो भी जिसको भी ये कलर अच्छा लगता है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट कलर की कुर्तीज लेके आती हूँ, कभी भी सेम शेड की कुर्तीज नहीं लेके आती हूँ, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को भी अप्रिशिएट कीजिए, एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स हमने मोस्टली काफ़ी कलर्स देख लिए, लेकिन अगर हम किसी फेस्टिव पर जा रहे हैं, कोई भी ओकेशन है, तो अगर रेड कलर नहीं है या मेहरून कलर नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मेहरून कलर को मिस कर दें। तो आइए अब हम देखते हैं मेहरून कलर की कुर्ती। सबसे पहले आप इसका गला देखिए, आपको गले से ही पता चल जाएगा काफ़ी ये डिफरेंट है। यहाँ पर ये इसका ओवरलैपिंग नहीं है, ये जॉइंट है, सिर्फ यहाँ पर लेस और बॉर्डर से इस टाइप से डिज़ाइन बनाया गया है कि आपको ये अंगरखा टाइप का लुक देता है, लेकिन ये वी शेप ही गला है इसका। बट यहाँ पर ये जो डिजाइनिंग बॉर्डर है ये देखिए स्टिच है पूरा, लेकिन यहाँ पर डिजाइन बनाया गया है तो देखने में बहुत सुंदर लगता है कि ओवरलैपिंग आपका ये नेक है, बट इट्स नॉट ओवरलैपिंग, अंगरखा टाइप का है, बट ये आपका स्टिच है, तो आपको कोई डिसकंफर्ट नहीं लगता कि कल को ये यहाँ से ओपन हो गया और थोड़ा सा स्लिप आउट हो गया, ऐसा नहीं है। देखने पर ही आप देखने पर ही आपको लग रहा होगा काफी अच्छा है ये नेक। ये देखिए आप इसका, ये सारा गोल्डन में काम है, हल्का हल्का यहाँ पे ब्लैक का कलर का टच दिया हुआ है, मेहरून ब्लैक एंड गोल्डन, सुपर कॉम्बिनेशन फॉर थ्री कलर्स। तो आइए अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए आप, पहले आप इसका कुर्ता देखिए, पूरी कुर्ती देखिए, ये देखिए यहाँ तक ये जो ऊपर का योक पार्ट है आपका, चोली का पार्ट जो है उसमें आपको पूरा इस टाइप से डिजाइन मिलता है, देखने में फुल्ली लगेगा कि अंगरखा डिजाइन है, बट इट्स अ वी नेक गला, पर बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग की गई है चारों तरफ। इसका जो ये पैटर्न है बहुत ही प्यारा है, प्रॉपर है आपका, आप मानेंगे वेडिंग लुक क्रिएट करता है, और किसी भी आप फेस्टिवल पर भी आप इसे कैरी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अब आ जाते हैं हम इसके घेर पर, घेर भी ये जितना भी है सारा आपका ये कलियों वाला है, ये देखिए ये सारा कलियों वाला घेर है, बहुत ही अच्छा है। मैं डेफिनेटली कहूंगी कि अगर आप इस टाइप का एक कुर्ता लेते हैं तो आपके हर ओकेजन पे, हर फेस्टिवल पे काम आएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये इसका बॉर्डर है और पीछे से ये आपकी, ये देखिए इस टाइप से है बॉर्डर, पीछे भी दिया गया है घेरे पर ये रहा। इसका जो बेसिकली एक अच्छी बात है इस कुर्ती की, एक तो ये फैब्रिक है रेयान का, बट द मेन पॉइंट इज कि इसका जो इन्होंने जो इसके बूटे हैं वो इसकी एलिगेंस को बढ़ा रहे हैं। एक होते बूटे ऐसे होते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होते हैं, हार्श से लगते हैं, चटक से लगते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसका काम गोल्डन में होकर भी दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है। इसका जो गोल्डन कलर है वो येलो में टच नहीं है उसका,
अगर येलो में टच होता है तो वो काफी गंदा लगता है, बट ये काफी अच्छा लग रहा है, ये काफी उभर के आ रहा है। अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ दुपट्टा। तो फ्रेंड्स, इस कुर्ती के साथ मिलता है आपको दुपट्टा। तो अगर ऐसी कुर्ती है जिसके साथ दुपट्टा भी आपको मिल रहा है और वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर, तो आप बिल्कुल मत छोड़िए। ये देखिए, ये है इसका दुपट्टा। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई एम्ब्रॉयडर्ड शॉल कैरी कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ इसका प्रिंट है, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, प्रिंटेड है। तो बहुत ही ज्यादा ये सुंदर लग रहा है, आप इसको जब कैरी करेंगे कुर्ती के साथ में तो बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखिए, जैसा आप पैटर्न देख ही रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत पैटर्न है इसका। और यहां पर आपको मिल जाते हैं, ये देखिए, गोटा पट्टी का काम। ये आपका पूरा 2.25 मीटर का है दुपट्टा। आपको इसकी लंबाई तो पूरी मिल जाएगी, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो आपको इतनी मिलती है कि आप साइड में इसको आराम से डाल सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा लगता है। पूरा फुल दुपट्टे की भी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, कुर्ती बेहद प्यारी है, तो उसके साथ अगर आप ये साइड में डालते हैं तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। अब हमने अपनी सारी कुर्तियों के सारे कलर्स तो देख लिए, लेकिन एक कलर अब भी रह गया, वो है ग्रीन कलर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैं आपके लिए वो कलर मिस कर दूं? फेस्टिवल टाइम है तो कुछ कलर्स तो कंपल्सरी ही होते हैं, तो इसमें आता है ये ग्रीन कलर। ये देखिए, ये है ग्रीन कलर की कुर्ती। ये जो ग्रीन कलर है, ये है बॉटल ग्रीन कलर। ये जो कलर है बेसिकली, जो ग्रीन में आता है बॉटल ग्रीन, काफी कम मिलता है। ज्यादातर आपको मूंगिया कलर मिल जाता है या कोई दूसरे कलर मिल जाते हैं, थोड़ा शेडिंग में फर्क रहता है, बट ये जो डार्क बॉटल ग्रीन कलर है ये काफी कम मिलता है। मुझे मिला, मैंने फटाफट पिक किया। आप भी वीडियो देखकर जो भी कुर्ती पसंद आए फटाफट पिक कीजिएगा, अगर आप भी सोचते रह गए तो वो स्टॉक आउट हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये आपका गोल गला है और यहाँ पर आपके ये बटन्स लगे हुए हैं। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें यहाँ पर आपको जो व्हाइट एंड गोल्डन के साथ में इसका काम मिलता है। आजकल देखिए, जयपुर में भी, जयपुरी प्रिंट के भी बहुत डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स आते हैं, तो आप आराम से इसको देखिए, काफी अलग सा लगता है ये भी पैटर्न। क्योंकि छोटे छोटे तो इस टाइप के पैटर्न आते थे, बट बड़े बड़े काफी कम आते हैं। ये देखिए, यहाँ तक इसका योक पार्ट है और यहाँ पर मिल जाता है आपको इसका घेरा। ये जो घेरा है ये कलियों का नहीं है, यहाँ पर ये चुन्नटे पड़ी हुई है सारे में। आप मेरे वीडियो में ट्राई ऑन में देख सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो ये आपके पूरा कुर्ती की तरह ही आएगा, जैसे कि स्ट्रेट कुर्ते होते हैं उतनी ही इसकी लेंथ है। ये पूरा नीचे तक घेरा नहीं है इसका, जो गाउन टाइप। बहुत अच्छी कुर्ती है, अगर आपको ये कलर और ये पैटर्न पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिए, आप लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए मेरे को आपको हमेशा याद दिलाना पड़ता है कि वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमारी दोबारा भी जल्दी से मुलाकात हो सके और हम आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सकें। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।